मिली। तो अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो धौलपुर सबसे खास हो जाता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भले ही ऐलान कर दिया हो कि वो धौलपुर से नहीं बल्कि झालरा पाटन से ही अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन धौलपुर में राजे का क्रेज ऐसा है कि राजाखेड़ा के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि सीएम या उनकी पुत्र वधु यहां से चुनाव लड़े ताकि इलाके का विकास हो सके। धौलपुर यूं तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है, सीएम धौलपुर की बहू है, लेकिन पिछले 25 साल से वसुंधरा राजे धौलपुर की राजनीति से दूर है। राजे के परिवार से भी किसी ने धौलपुर की सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया। अब 25 साल बाद धौलपुर के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री राजे यहां से चुनाव लड़कर जिले की सक्रिय राजनीति में शामिल हो। धौलपुर से सटी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों यही चर्चा जोरों पर है। सीएम ने दो दिन पहले ही झालरापाटन से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, फिर भी राजाखेड़ा के स्थानीय भाजपा नेता और आम वोटर्स की इच्छा है कि सीएम को राजाखेड़ा से चुनाव लड़ना चाहिए। नेता चाहते हैं कि अगर सीएम नहीं तो उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में आना चाहिए। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ऐसा माहौल काफी समय से बन गया है कि सीएम ही चुनाव लड़ेंगी। राजाखेड़ा की जनता तो जयपुर में हम लोग गए थे, उसमें मैं भी था, तो पूरे कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में है कि माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से चुनाव लड़े, और यहाँ से चुनाव लड़ने से पूरे संभाग में अच्छा मैसेज जाएगा। आज भी कार्यकर्ताओं में मीडिया के थ्रू अखबार में आया है कि वो झालरा पाटन से चुनाव लड़ेंगे। कई कार्यकर्ताओं मेरे से फोन आए तो उन्होंने कहा कि एक बार सीएम साहब से हम लोग मिलते हैं और एक बार हम सबको मिलवा दो तो हम अपनी बात रखें, क्योंकि राजाखेड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसी घोषणाएं दी हैं, चंबल लिफ्ट परियोजना या कॉलेज और कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े रोड दिए हैं जो 20-25 करोड़ की रोड है। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र ऐसे तो कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रद्युम्न की सीट रही है। विधायक रहते हुए प्रद्युम्न सिंह कई बार सरकार में कई ओहदों पर रहे, फिर भी 50 सालों में राजाखेड़ा क्षेत्र विकास से अछूता ही रहा। इलाके में सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं कभी लोगों को मिल ही नहीं पाई। मुख्यमंत्री राजे के लिए यहां से उठ रही आवाजों का एक बड़ा कारण यही है कि सीएम ने इन 5 सालों में राजाखेड़ा में ऐसी मांगों को पूरा कर दिया जो 50 सालों से यहां के लोगों के लिए सपना थी। इनमें सबसे बड़ी मांग थी चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसी सरकार में करीब 900 करोड़ की इस योजना का काम शुरू हो गया है। ऐसा है, इसका रीजन है, मैडम ने यहाँ राजाखेड़ा में पहली बार, 60 साल में कांग्रेस सरकार रही उन्होंने कुछ नहीं किया, मैडम ने पहली बार इतना विकास किया है। इसलिए जनता की, हर व्यक्ति की मांग है कि राज परिवार में से कोई आए, मैडम आए या उनकी पुत्र वधू आए। जनता में बहुत बड़ा इस नाम को लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। 25 साल से सीएम धौलपुर की सक्रिय राजनीति से दूर है। इन 25 सालों में जहां उनका निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ विकास के शिखर पर है तो वहीं उनका गृह क्षेत्र धौलपुर अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। धौलपुर के लोगों को लग रहा है कि अगर सीएम धौलपुर की सक्रिय राजनीति में शामिल हो तो धौलपुर के भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। शिवेंद्र परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, धौलपुर।